कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम मदन्स किचन में बना रहे हैं चिकन कोरमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो जी चिकन कोरमे के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। 1 kg चिकन लिया मैंने, उनको धो के वाश कर लें, छोटी छोटी गोटी इनकी बनवा लिया। इधर 2 दरमियाने साइज की प्याज है, 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1/2 टीस्पून पीसी हुई काली मिर्च है जो मैंने दादर क्रश कर लिया उसको, और 1 ही चम्मच कश्मीरी मिर्च है और 1 ही चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, 1 चम्मच नमक है, बाकी हंसबे जरूरत है जो आपको जितना पसंद है उतना डाल लें। मैंने 1 चम्मच लिया है। तो ये खुश बड़ा गर्म मसाला है, इसमें इलायची है 4 से 5 छोटी वाली, दालचीनी है, काली मिर्च का दाने हैं 8 से 10 दाने, और ये लौंग। ठीक है, ये हो गया, बाकी 1 प्याली दही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। 1 पैन में मैंने 1 कप ऑयल डाला है और साथ ही ना 2 दरमियाने साइज की प्याज जो मैंने काटी हुई थी ना वो बीच में डाल दी। इनको करना है ब्राउन, ब्राउन करके इनको निकाल लेना है, फिर इसमें चिकन डालेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, मैं इनको ना निकाल लेती हूँ जल्दी से। सारा प्याज हमने निकाल लिया, अब इसी ऑयल में ना हम चिकन डालते हैं, चिकन को ब्राउन करना है। चिकन डाल के ना साथ ही ये जो 1 चम्मच नमक और गरम मसाला ना साबुत वाला ये बीच में डाल दें। तो इसे तब तक भूनना जब तक ये चिकन का कलर ना चेंज हो जाए। दूसरी तरफ जो प्याज मैंने ब्राउन की है ना, 1 कप दही के अंदर डाल के ना उसका एक पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए चिकन हमारे का कलर चेंज हो गया सही से, और जो मैंने मसाला डाला था ना इलायची वगैरह उसकी भी खुशबू आ गई है। अब इधर मैं साथ ही लहसुन अदरक का ना पेस्ट डालती हूँ 2 चम्मच। अब इसको इतना भूनना है कि इसकी स्मेल चली जाए लहसुन अदरक की। 5 मिनट तक इसको भूनते हैं, बाकी मसाले डालते हैं। लहसुन अदरक मेरा ब्राउन हो गया, स्मेल भी चली गई है, जो चिकन का कलर भी देखो कितना प्यारा हो गया है। अब हम साथ ही इसमें मसाले डालते हैं। नमक तो ऑलरेडी मैंने डाल दिया हुआ है, जो डाले मैंने 1/2 टीस्पून है मेरी हल्दी और काली मिर्च, और ये आ गई जी मेरी कश्मीरी मिर्च और दूसरी घर का लाल मिर्च का पाउडर। बाकी ये वाले मसाले हैं, इसमें जाएगा 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 ही चम्मच खुशक धनिया का पाउडर, 1 चम्मच जीरा। तो अब इसकी अच्छे से बनाई करनी है। चिकन की बनाई करके मैंने ना इसमें 2 घूंट के बराबर बस पानी डाला है थोड़ा सा कि चिकन इसमें गल जाए। 5 मिनट इसको मैं ना डाल देती हूँ स्टीम पे। मसाले हमारे भुन गए हैं, अब ये जो मैंने पेस्ट बनाया था ना प्याज का और दही का, ब्राउन प्याज 1 कप, 2 प्याज थे और 1 कप दही, उसको ग्राइंड किया था, ये वाला पेस्ट में डाल रही हूँ। दरमियाने साइज की आंच स्टीम उसको दे के ना आंच पे इसको, जब तक ये पानी इसका खुश्क ना हो जाए इसको भूनने तक। ये देखिए जी इस टाइम चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है, घी भी छोड़ रही है सालन में, फ्लेम में ऑफ करती हूँ फिर उसको मैं डिश करती हूँ। ये देखिए जी हमारा चिकन कोरमा रेडी है। तो आप भी बनाएं अपने घर में नान या रोटी जिसके साथ मर्जी सर्व करें, सबको पसंद आएगा। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, इतनी सिंपल और अच्छे तरीके यानी कि बनी हुई है अच्छी सिंपल तरीके से, और देखे उसकी ग्रेवी भी कितनी है, आसानी से रोटी के साथ खाई जा सकती है। तो उम्मीद है आप भी बनाएंगे, मुझे बताएंगे अपने फीडबैक से, तो मैं इंतज़ार रहेगा मुझे आपके फीडबैक का। तो मिलते हैं कल न्यू रेसिपी के साथ, आज तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।